फ्रेंड्स, मेरी एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि गिवन द फैक्ट दैट क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में गिवन द फैक्ट दैट, गिवन दैट और इन व्यू आप का सही इस्तेमाल देखें, क्योंकि इन सभी का मीनिंग एक ही है और आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी का मीनिंग है को देखते हुए या को नजर में रख कर, जैसे देखते हुए कि वह कड़ी मेहनत करता है उसके पास कामयाबी होगी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Given the fact that, यानी देखते हुए, वह कड़ी मेहनत करता है, he works hard, उसके पास कामयाबी होगी, he will have success. देखते हुए कि वह इंग्लिश में कमजोर है, उसे मेहनत करना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Given the fact that, यानी देखते हुए, वह इंग्लिश में कमजोर है, he is weak in English, उसे मेहनत करना चाहिए, he should work hard. तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि given the fact that का मतलब देखते हुए या किसी बात को ध्यान में रखकर, मैं उसकी हैसियत को देखते हुए उसे सलाह दिया या मैं उसकी औकात को देखते हुए उसे सलाह दिया। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I advised him in view of his level. अगर आपको कहना हो कि मौसम को देखते हुए प्रोग्राम कल रखा जाएगा, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन व्यू ऑफ द वेदर द प्रोग्राम विल बी हेल्ड टुमारो, यानी मौसम को देखते हुए या मौसम को नजर में रखकर प्रोग्राम कर रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब आपको कहना हो को देखते हुए या को नजर में रखकर, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इन व्यू ऑफ या गिवन द फैक्ट दैट या गिवन दैट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अगर आप गिवन द फैक्ट दैट या गिवन दैट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना होगा, यानी आपको एक फुल सेंटेंस लिखना होगा। जैसे अगर आपको कहना हो जानते हुए कि उसकी आमदनी कम है, उसे फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गिवन द फैक्ट दैट हिज इनकम इज लो ही शुडंट डू एक्सट्रावेगेंस, यानी जानते हुए कि उसकी इनकम कम है या आमदनी कम है, उसे फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं गिवन दैट हिज इनकम इज लो ही शुडंट डू एक्सट्रावेगेंस, अपनी आमदनी को ध्यान में रखते हुए आपको पैसे खर्च करना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन व्यू ऑफ योर इनकम यू शुड स्पेंड मनी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि गिवन द फैक्ट दैट, गिवन दैट, इन व्यू ऑफ, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है और वो है को देखते हुए या को नजर में रखकर। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।